नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बसंत है। स्वागत है आपका इस वेब सीरीज पे। यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स कितने तरह के होते हैं। और पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस किस तरह के वेब सर्वर अवेलेबल है, और ना कुछ जो होते हैं वो डेवलपमेंट यूज होते हैं, कुछ वेब सर्वर जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा मेरे को बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ इस जर्नी में चलें। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। वेब सर्वर, ये एक पैकेज अवेलेबल है, ये लिंक है, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो डिपेंडेंसी है, एक है पेपर बॉय और दूसरी है वेब सर्वर। और ये सीधा वेब सर्वर पोर्ट 8003 में ओपन होगा, तो यूजिंग द सॉकेट। और चलो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो एमडी वेब सर्वर एग्जांपल वन, तो इसके अंदर चले जाएंगे हम सीडी वेब सर्वर एग्जांपल वन। और अगर आपको बस जानना चाहते हो एनपीएम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके पैकेज क्रिएट करते हैं, व्हाट इज नोड पैकेज मैनेजर और उसकी कौन कौन सी कमांड अवेलेबल है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो npm init hyphen y करेंगे, ये कमांड हमारा पैकेज और जेसन फाइल क्रिएट करती है। और मैं कोड स्पेस डॉट करूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। ये बहुत पॉपुलर पॉपुलर एडिटर है और ये अवेलेबल है लिनक्स के लिए, लिनक्स एनवायरनमेंट, मैक पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और आप इसमें पैकेज और जेसन फाइल में अगर देखेंगे, इसमें और इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल द डिपेंडेंसी, जितनी डिपेंडेंसी हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम npm इंस्टॉल पेपर पेपर बॉय, और अगर आप इधर देखेंगे मैंने कोई हाइफन हाइफन डेव और तो मैंने कुछ और कोई इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम ये डिपेंडेंसी हमारे पैकेज और जेसन फाइल में नहीं अवेलेबल होगी। और दूसरा मैं करूँगा npm इंस्टॉल वेब सर्वर। सो ये बहुत ही छोटा सा और इसमें कोई ज़्यादा कमांड लाइन अवेलेबल भी नहीं है, ये ना ही हॉट रिलोड करता है ना ही लाइव रिलोड करता है, CSS चेंजेस नहीं करता है। इसको चलाने के लिए आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक HTML फाइल क्रिएट करता हूँ, सो जो हम इसको देख सकें। जब वेब सर्वर चलेगा, रेडी होगा, तो हमें इसकी आउटपुट ब्राउज़र में दिख जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट, मतलब एक सिंपल सी HTML क्रिएट करता हूँ। हेड बॉडी टाइटल, टाइटल में एक सिंपल सा टाइटल डाल देते हैं, तो कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मेरा प्लान है आपको और भी तरह के लोकल वेब सर्वर के बारे में बताने का, वो उसका वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और होपफुली इसके बाद में आप वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें और लोकल वेब सर्वर में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे कमांड लाइन इंटरफेस से आप बहुत सारी कमांड यूज़ कर सकते हैं। और वो तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। नोड स्पेस नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल स्लैश वेब सर्वर डॉट js। सो इस फाइल को जैसे ही चलाते हैं ये वेब सर्वर 8033 में हो जाएगा अवेलेबल। तो हम क्रोम ब्राउज़र में हम टाइप करते हैं 8003 लोकल होस्ट, ओप्स ये फाइल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रिमूव करूँगा। और आप देखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट npm वेब सर्वर एग्जांपल। तो यही है ये, अगर आपने देखा तो हम सिंपल इंस्टॉल किए दो पैकेज और हम अपना बना वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं npm के लिए। और ये छोटी डेवलपमेंट के लिए बहुत आसान है। एग्जाम्पल देना चाहते हो बट यू ऑटोमेटिकली अवेलेबल
रन नहीं होगा और ये ना ही लाइव रीलोड करेगा। अगर आपको पोर्ट नंबर चेंज करना है, आप ये वेब सर्वर और जेसन फाइल जेएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके बाद अगर आप मैं जाऊँ अपनी पीपीटी में, अगर आप देखना चाहोगे तो लोकल वेब सर्वर के बारे में बताऊंगा अगली सीरीज में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और फॉर गेटिंग फॉर मोर अपडेट और लोकल वेब सर्वर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो धन्यवाद, और आपका समय के लिए शुक्रिया। यूं ही देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।